नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। शहर के गांधी आश्रम में स्वा चिकित्सा उत्सव शुरू हो चुका है। दूसरे दिन यहां पर कई लोगों ने अपना उपचार कराया। स्वा चिकित्सा उत्सव में देश भर के जाने माने विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सक और जड़ी बूटी के जानकार यहां पहुंचे हैं, जो विभिन्न रोगों का उपचार कर रहे हैं। हमने आपके लिए यहाँ पहुंचे एक विशेषज्ञ से बात की। ब्रजवासी भाई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो खुद एक बीमारी से पीड़ित थे और इस बीमारी का उपचार खोजते खोजते वे खुद आयुर्वेद आचार्य बन गए। अब सुनिए ब्रजवासी भाई का इंटरव्यू और जानिए आयुर्वेद की क्या शक्ति है। हाँ जी, आज ये स्वा चिकित्सा उत्सव का दूसरा दिन है। आज देसी अंदाज की आप यदि बात करते हैं तो हम गांधी आश्रम में खड़े हैं। गांधी आश्रम का जो उत्पादन है वो बुंदेलखंड के ही देसी बीजों के उत्पादन के लिए हम लोग काम ही करते हैं, तो उसी से बना हुआ यहाँ पर भोजन है। और भोजन में जो आज का मेनू यदि पूछेंगे तो वो अलग है, पर हमारे आश्रम का ही सरसों का तेल है और आटा जो गेहूँ है वो भी आश्रम का ही, इसलिए पूरा ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पर। इसी तरीके का भोजन है। लोग अलग अलग, मतलब देश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। कुछ इलाहाबाद से हैं, बनारस से हैं, दिल्ली से भी लोग पधारे हुए हैं। आपको बताएं कि मुझे एक बीमारी थी, मैं जन्म से वैद्य नहीं हूँ, मुझे बीमारी थी सोरायसिस। ये 40 वर्ष रही, जिसका निदान आपके एलोपैथ होम्योपैथ आयुर्वेद से नहीं हो पाया। और मैं 98 में मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले बीना में, जहाँ एक सम्मेलन था, सर्वोदय सम्मेलन, वहाँ उनने हमारी बीमारी देखी और उन्हें बताया कि आप किसान हैं, आपके पास गाय होंगी, आप गाय का उपयोग कीजिए। वो बीमारी हमारी जो 40 साल की रही 18 दिन में ख़त्म हो गई। तब हमको लोगों ने ये कहा कि आपको ये समाज सेवा करना है, आप पैसे भले लें लेकिन आपको फैलाना है इसको। तो मैं रायपुर ट्रेनिंग करने गया। रायपुर में बहुत बड़ी गौशाला थी, उस गौशाला में मैंने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद मैंने शुरू किया। और आज ये कम से कम मैं मध्य प्रदेश क्या, मैं बाहर भी लोगों को बताने के लिए जाता हूँ। थोड़ा बहुत सैंपल में दवाई ले जाता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि आप कैसे गोमूत्र का उपयोग करें और स्वयं आप बनाएं और स्वयं उपयोग कर लें और समाज का भी उपयोग करें। आप ये काम मेरा रह गया है। अभी तक कितने लोगों को सही कर, ये कम से कम तो हम गिनती में क्या बताएं, हम कभी नोट करते नहीं थे। कम से 2-3 हज़ार लोगों को मैंने दवाई दे चुका और अभी दे रहा हूँ। सतना और रीवा जिला दो तो हमारे लिए प्रमुख है, जिसको हम गोमूत्र से बना के देते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं? इसमें आपको गैस, शरीर पहले बीमारी होती गैस की, वहाँ से लेकर कैंसर तक की दवाई इसमें होती है और 100% मैंने निदान होता है। किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, क्या इसमें 3 विधा हैं। एक तो देसी गाय का सीधा सीधा गोमूत्र है, दूसरा है इसकी गोली बनती है, ये गोली है आपकी, ये खोवा बनता है इसका, इसकी गोली बन जाती है। इसको 2 गोली सुबह लीजिए, शाम को ले लीजिए। अगर जिसको बीमारी हो, आपको महीने महीने में आपका अंतर आ जाएगा। 1 महीने के अंदर मोटापा हो या कोई भी, गैस से लेकर कोई भूख नहीं लगती हो तो भूख भी लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। शर्त यह है कि गाय देसी हो। गाय अगर विदेशी होगी उसका न दूध काम में आता है और न गोमूत्र काम में आता है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD, वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।